हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बड़े चल रहा होगा, और आप लोगों की खबर तो रोज़ आती है मेरे पास से, सेंटर से रोज़ फोन आते हैं। सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आज बहुत सारी बातें भी करनी है और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम भी करना है, उसका डिस्कशन भी करना है आप लोगों से, ठीक है। और ये क्लास जो है ये आपके पास शायद पहुँचेगी 3 to 4 days आफ्टर बाद, क्योंकि हमारी की क्लासेस चल रही हैं, वो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जिन लोगों की पिछली क्लासेस रह गई थी उन लोगों में क्लासेस कंप्लीट करा रहा हूँ सारे ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये आपको मैक्सिमम 3 दिन के बाद आपको ये क्लास पहुँचेगी आपके पास, क्योंकि अभी वो चल रहा है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। एक ग्रुप में चल रहा है हमारा शायद सेल वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। एक ग्रुप में चल रहा है एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो सबके जो है जो टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी, सबके क्लासेस कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लास 12 का हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो सबने देखा था, उसकी लास्ट क्लास आपको पहले पहुँचेगी जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम मूव करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। तो 3 या 4 दिन के बाद ही आपके पास क्लास पहुँचेगी। तो मैं आप लोगों से डिस्कस ये करना चाह रहा था बेटा कि मेरे पास कुछ बच्चों का फ़ोन मैसेज कॉल्स आए थे, कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट करा, और वैसे भी मेरे दिमाग में ये चीज़ तो थी पहले से, ठीक है। ये तो होता ही है, हर ईयर हर साल हम करते हैं। बट अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं वो अभी इंडिविजुअल्स हो रहे हैं, कि इंडिविजुअल्स ही होते हैं, कि पहले केमिस्ट्री का होगा, फिर फिजिक्स का, फिर बायो का, रनिंग टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि सर जो हमारा सिलेबस पार्ट कंप्लीट होता जा रहा है उसको हम पूरा कंपाइल फॉर्म में देने जाते हैं, मतलब कि सिलेबस की फॉर्म में देने जाते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 घंटे का पेपर, जैसे नीट का पेपर होगा उस टाइप में। तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता, और अच्छी बात है, जिन बच्चों ने मेरे से ये बात बोली है उन लोगों में अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो लोग सीरियस हैं, और सीरियसली ये चीज़ आपको, यही डेडिकेशन आपको डॉक्टर्स बनाएगी और आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगी। और ये चीज़ जो है ये आपके अंदर एक चीज़ ये दिखा रही है कि आप लोगों को फिक्र है, कि आप लोग भी चाहते हैं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं आपकी स्टार्ट करने वाला था सितंबर से, मैं सोच रहा 3 4 चैप्टर और हो जाए, बट ये है कि बच्चे खुद कहने लगे, और हम आपस में टीचर्स भी डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी बात हुई विनीत सर से, ठीक है। तो विनीत सर ने भी ये बात बोली कि हाँ करते हैं स्टार्ट, ठीक है, और देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आता आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहें मेंटली अब, कि अब आप लोगों के टेस्ट जो होंगे वो सिलेबस वाइज टेस्ट हुआ करेगा, एक आपका शेड्यूल बन के आ जाएगा, शेड्यूल इन द सेंस कि आपका मतलब कि टेस्ट शेड्यूल क्या रहेगा, कि आप किस तरीके से आपका मतलब कि प्लान करेंगे हम। जैसे मॉल कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, मॉल कॉन्सेप्ट के साथ में एक 11th का चैप्टर, एक 12th का चैप्टर, ठीक है। 2 चैप्टर केमिस्ट्री के हुए, 3 चैप्टर बायो पर रख दिया हमने, 2 चैप्टर फिजिक्स के रख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टेस्ट हुआ करेगा इस फॉर्म में, ठीक है। और वैसे कंपलसरी तो सबके लिए है, बट ये है कि अब हम आप लोगों को फोर्स तो कर नहीं सकते, जिसकी जो मर्जी वो करे, ठीक है। बनोगे डॉक्टर अपने लिए बनोगे, हमारे लिए कौन सा कुछ वो, ठीक है। और ये जो बच्चे ही कर रहे हैं ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये बच्चे अगर ये लास्ट तक इन्होंने ऐसी मेहनत कर ली डेडिकेशनली, तो ये बहुत आगे जाएंगे, ये कर लेंगे, निकल जाएंगे। और जो अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं उनका कोई मेरे पास इलाज नहीं है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, सिवाय दुआएं दे सकता हूँ, वो भी खैर उससे भी कुछ नहीं होने वाला। ऊपर वाला भी ना बेटे, एक बात हमेशा याद रखना, उनके हाथ में वो देगा पावर जो उसके कैपेबल होते हैं, जो उसके डिजर्वेबल होते हैं। वो 20 लाख कैंडिडेट बैठते हैं नीट के पेपर में, सिलेक्ट कितने होते हैं 1 लाख। तो इसलिए ना अगर करना है, अब ये जो कर रहे हैं ना सब 100% तो सब सिमिलर से काम करते हैं, 95% लोग सब सेम काम कर रहे हैं, आपको उन 5% माना जो अलग हट के काम करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे वो भी दिखाया कि आप वो लोग उन्होंने क्या करा, उन्होंने फ्लो चार्ट बनाने चालू कर दिए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कुछ लोगों ने मतलब के चैप्टर की जो समरी है उसे एक NCERT के उस पर स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी साइड से अपना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
एक लड़की शिवानी, वो बहुत मेहनत कर रही है, वो बहुत डेडिकेशनली मेहनत कर रही है, बस मेरे प्रे यही है कि लास्ट टाइम तक वो ऐसे चलती रहे, कोई उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ उसके साथ इंसिडेंट्स नहीं हूँ, और उसकी अंदर की हिम्मत नहीं टूटे, वो करती रह पाती तो बहुत निकल आगे निकल जाएगी। तो उसने मेरे को फिजिक्स के, मेरे सिर्फ बायो एक सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, जब भी मेरी आप लोगों से बात होती है तो मैं सिर्फ बायो के परस्पेक्टिव से बातें नहीं करता, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सबका आपसे पूछता हूँ, ठीक है, भले ही मैं यहाँ बैठा हूँ, बट ये है कि मेरी नज़र सब पर है, ठीक है, सेंटर पर भी मेरी सबसे बात होती रहती है, टीचर से भी, ठीक है, रिसेप्शन पर भी बात होती है, बच्चों से भी बात होती है, जो बच्चे बात नहीं भी कर रहे होते हैं मैं उन्हें अपनी साइड से कॉल करके बात करता हूँ, इसीलिए कि कभी भी आप लोगों को ये ना लगे कि आप मेरी पहुँच से दूर हो, ठीक है, क्योंकि आप तो बड़े हुए, कुछ लोग तो कॉल करते नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी साइड से कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसलिए ही कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का कभी भी आप लोग ये मेरी एब्सेंस फील ना हो, इसलिए, ठीक है, और वैसे ट्राई कर रहा हूँ मैं थोड़ा, ये मेरा कॉलेज का थोड़ा प्रेशर ख़त्म हो जाए, थोड़ा पेपर्स वगैरह हो जाए, सीजनल वगैरह, सेशनल वगैरह, देन उसके बाद में फिर मैं सेंटर पर ऑफलाइन आऊँगा जेनेटिक्स वगैरह पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो ये तो आज का वो था, ये आपको एक न्यूज़ देनी थी, ठीक है, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें, मेंटली भी, फिजिकली भी, और सिलेबस भी, ठीक है, मेन तो ये सिलेबस लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, और पहला टेस्ट आपका यही होगा सिलेबस, अभी मतलब कि अभी जो हमारा डिसाइडेड हुआ है, अभी तो हम शॉर्ट मतलब कि एक छोटा सा मिनी टेस्ट लेंगे, माइनर टेस्ट बोलेंगे इसको, इसमें हम रखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और दूसरा रखेंगे एटम, ठीक है, और फिजिक्स में रखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, एंड बायो में रखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट करा के आपका टेस्ट होगा, पहला टेस्ट स्टार्ट होगा आपका 18 अगस्त के बाद, ठीक है, 15 अगस्त के बाद मतलब के टेस्ट हो जाएगा आपका, 15 से 20 के बीच में, जिस दिन भी संडे पड़ रहा होगा उधर हम टेस्ट कंडक्ट कराएंगे पहला टेस्ट आपका, ठीक है, आपके पास इतना टाइम है, वह अभी उधर भी चैप्टर चल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, इधर बायो में भी, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका कंप्लीट होते होते तो उतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये मैक्सिमम वेटेज रखता है, और ये सिर्फ एक आपके एकेडमिक ईयर वाइज आपके लिए एक खाली एक, इसका पर्पज़ ये पढ़ने का मतलब ये नहीं है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसका पर्पज़ ये है कि आपको नॉलेजेबल बनाया जा रहा है, कि आपको एक इलिटरेट से लिटरेसी तरफ लेके आया जा रहा है, माइंड मत करना, बट एक बात बोल रहा हूँ कि अभी चीज़ आपको पता नहीं है, तो इसलिए आप इलिटरेट ही हुए, जो चीज़ नहीं जानते आप उन चीज़ों के बारे में आप इलिटरेट ही बोलेंगे, जब आप उन चीज़ों को जान जाएंगे तो आप इलिटरेट, ठीक है, और मकसद ये नहीं है सिर्फ इसे पढ़ना, पढ़ना नहीं है, आप पढ़ने तो पढ़ तो सब लेंगे, किताब की भाषा तो सब पढ़ लेंगे, मेन थिंग ये है कि आपको इसको समझना पड़ेगा, देन उसके बाद आप इसका आगे इसे पढ़ने का फायदा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बेटा होता क्या है, ठीक है, आपसे कोई भी पूछे, आपका फैमिली मेंबर, टीचर या कुछ भी, तो आपको एक अपनी लिमिटेड दायरे में रहकर आपको उसका ही डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, आप क्या बताओगे उसे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन बेटा, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज में अपनी, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कैसा प्रोसेस होता है, जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल्स, ठीक है, और उन मतलब के उनकी एक्टिविटीज़, ठीक है, उसके द्वारा एक बच्चा पैदा करना, ठीक है, अपने ही जैसा बच्चा पैदा करना, अपने ही अंग प्रत्यंग से, डेट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये हमारी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसके इंट्रोडक्शन में यही चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स इतने होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं तीन, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप लोग 9th 10th क्लास से भी पढ़ कर आ रहे होंगे, इतनी चीज़ें नॉर्मली आपको बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी, ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ते टाइम पे कुछ भी हेजिटेशंस वगैरह इतना वो मत करना, कोई भी डाउट वगैरह हो एक लिमिट में रह के अपना डाउट मेरे से पूछो, ठीक है, उसके बाद आगे, और इस चैप्टर को NCERT से जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा है, ठीक है, एक बार को NCERT भी ये है कि नहीं पढ़ो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कम से कम उसे समझ लो तो वो भी बहुत है, ठीक है।
क्योंकि आधा आधा चीज़ तो मैं यही समझा दूंगा। इन चैप्टर्स को तो तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, तुम तो वैसे इसमें पीएचडी करे बैठे हो। ठीक है बेटा, पहला काम क्या होता है, सेल प्रिपिटेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, हमारे रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, उन्होंने रिप्रोडक्शन करा, हमारे मदर फादर मतलब कि हमारे दादा दादी है, दादा दादी से हमारे मम्मी पापा, मम्मी पापा से हम लोग, ठीक है, हम लोग भी आगे रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमारी ऐसा आगे जनरेशन चलती रहेगी। तो एक कंटिन्यूटी है कि हमारी स्पीसीज की कंटिन्यूटी है कि हम कहीं रुक नहीं रहे, ऐसा नहीं हो रहा कि हम ख़त्म हो गए या अब हम कहीं रुक रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी एक मतलब के विदाउट ब्रेक हम चल रहे हैं। ठीक है, एक स्पीसीज जो है रेगुलर चल रही है। ठीक है, इसे दूसरे वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर आगे लाइफ कैसे, मतलब फिर लोग होंगे ही नहीं, फिर तो अकेले रहोगे, अकेले भी क्या होगा। इसलिए तो कहते हैं कि कुछ कोई भी फैमिली हो, हर फैमिली में चाहे एक बेबी हो, एक चिल्ड्रन हो, एक औलाद हो, होनी ज़रूरी होती है जिससे कि आपकी आगे नस्ल चलती रहे। ठीक है, तो ये तो रिप्रोडक्शन की बात हो गई। ठीक है, रिप्रोडक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग क्या है कि फैक्टर्स कौन से हैं जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के फैक्टर्स हैं, एक तो इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी क्या होती है कि अपनी बॉडी के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होनी, ठीक है, या फिर कि कहीं अनहोनी, कमी होनी। ठीक है, समझ रहे हो क्या बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरा हैबिटेट, हैबिटेट का भी बहुत असर पड़ता है। ठीक है, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक फैक्टर इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उसे अफेक्ट करता है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेस। अगर वो इंसान ही टेंशनों में है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हॉर्मोन्स उसके डिसबैलेंस है, हॉर्मोनल डिसबैलेंस है, तो वो डिप्रेशन में है, ठीक है, स्ट्रेस है, तो उसका कुछ नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ें फैक्टर अफेक्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अब ये तो हमने बात करी रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और इसमें ना सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना हुआ, अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर। बेसिक लेवल यानी कि जहाँ से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जहाँ से हमारा स्टार्ट, जो हमारा इनिशिएशन पॉइंट है। ठीक है, अभी एक एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, उसके अंदर मेल फीटस है। फीटस उसे बोलते हैं बच्चे को, जब तक तो वो पैदा नहीं होता उसे बोलते हैं फीटस। ठीक है, तो उसे बोला हमने मेल फीटस। ठीक है, फिर इन 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 7वां महीना जो होता है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होता है बेटा कि उसमें टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, ये हमारा एक हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है बेटा, हमारा हार्मोन है। मैं लिंक देता हूँ एक मिनट, जिससे आप लोगों, क्योंकि हार्मोन्स वाले चैप्टर कौन सा हमारा, जब आप क्लास 11th में होते हैं तो आपको पढ़ाया था केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो उसमें सारे हार्मोन्स के बारे में बताए गए, हमारे एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स, सारे हार्मोन्स की बात हमने वहाँ करी है। अब आप क्लास 12th में, जो बच्चे पहले से मेरे से ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है तो उन्हें पता है। ठीक है, कुछ बच्चे नए भी हैं, कुछ बच्चे फ्रेशर हैं, तो इसलिए एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर बता रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं बेटे, हमारे हार्मोन होते हैं। ठीक है, देन एक एरो आगे बना हुआ दिख रहा होगा आपको, एक है ना वो ग्लास लाइक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ये देखो ये दिख रहा है ये। इसमें क्या है बेटा कि हमारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस हमारे क्या होते हैं, अंडकोश, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं समझाने के लिए, इसे बोलते हैं अंडकोश। ठीक है, ये याद रखना, हम पढ़ के रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें बात क्या कर रहे हैं हम टेस्टिस की। ठीक है, टेस्टिस क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, अब इन टेस्टिस, ये जो टेस्टिस होते हैं ये एक पाउच में होते हैं, जिसे हम पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं उसको हम, पाउच को स्क्रोटम। ठीक है, इसमें हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये टेस्टिस आगे क्या करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ बताई जाती है, हाइपरथर्मिया। एक वर्ड यूज़ करा है आपके एनसीईआरटी ने, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों,
क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की लाइंस में क्लियरली मेंशन करा गया है कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमारा कम होता है, ठीक है। सेल्सियस नहीं, फेरेनहाइट में लेते हैं, ठीक है, फेरेनहाइट 2 से 3 डिग्री फेरेनहाइट या सेल्सियस बोल लो, मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर 2 से 3% कम होगा, ठीक है। अब मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ तो जब टेस्टिस आगे अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शन और उसे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है टेस्टिस की स्पर्म फॉर्मेशन की, कि जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 2-3% कम उस टेम्परेचर हमारे स्क्रॉटम को चाहिए होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब अगर हम किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ गर्मी ज़्यादा है, जहाँ पे अभी हम नॉर्मली यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, अब हम सडनली कहीं जहाँ ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया ये होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइम पे स्पर्म की फॉर्मेशन रुक जाती है, स्पर्म की फॉर्मेशन रुक जाती है, ठीक है। और फिर दूसरा हाइपरथर्मिया की वजह से क्या हो जाता है, क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म क्या होता है, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड। क्या होता है कि हमारे एब्डोमिन है, एब्डोमिन से नीचे हमारा क्या एरिया कहलाता है, पेल्विक एरिया, ठीक है। एब्डोमिन के ही पार्ट, अगर कभी देखो तो एब्डोमिन के पार्ट से ही वो एक्सटर्नल पार्ट हमारे डेवलप होते हैं, जहाँ पर हमारा पेनिस प्रेजेंट होता है और स्क्रोटम प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, वो जो टेस्टिस हैं जिस पाउच में है वो क्या होते हैं, डिसेंड होते हैं, डिसेंड यानी कि नीचे होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, अगर वो ऐसे नहीं है, वो अगर हमारे एब्डोमिन पार्ट से नीचे नहीं आए, डिसेंड में क्या होता है, नीचे आना, ठीक है। अगर वो नीचे नहीं आए हमारे एब्डोमिन पार्ट से, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम क्रिप्टोकाइडिज्म, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड, ठीक है। जब टेस्टिस डिसेंड नहीं होंगे, उस पाउच में नहीं आएंगे, तो फिर आगे स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर दिख रही होगी आपको, एक कॉर्ड बनी हुई है, ठीक है, इसे क्या बोला हमने, स्पर्मेटिक कॉर्ड। कॉर्ड क्या बोलना है इसको, हम स्पर्मेटिक कॉर्ड, CORD, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है बेटा, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इस कॉर्ड में। लिम्फेटिक वेसल्स का क्या काम करता है, लिम्फ हमारे क्या काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, डिफेंस यानी कि कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई डिसीज हो गई, उसके डिफेंस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। लिम्फ का हमारा काम क्या होता है, जैसे हमारे RBC WBC होते हैं, ऐसे हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उनका वर्किंग मोड क्या है कि वो हमें डिफेंस करती हैं डिसीज से, इन्फेक्शन से, ठीक है। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। नर्व्स, नर्व्स का काम क्या होता है, फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स, जो हमारा इस वो है स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसके पास सिग्नल आएंगे कि आगे स्पर्म की फॉर्मेशन करनी है, आगे स्पर्म को रिलीज करना है, इजैकुलेट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद एक हमारी कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसका नाम हमने रखा है इनगुइनल कैनाल, ठीक है। ये क्या करती है, फ्रॉम टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी इनटू स्क्रॉटम, ठीक है। जो पार्ट हमारा डिसेंड हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनगुइनल कैनाल, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, टेस्टिस हमारी डिसेंड हो रही है एब्डोमिनल कैविटी से इनटू स्क्रॉटम, स्क्रॉटम में जा रही है, ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेल्फ रिपीटेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, रिविजन करा रहा हूँ टोटल ओवरऑल क्या पढ़ा है, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अगर रिप्रोडक्शन करने ही बंद कर दो तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। क्लास इलेवन लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है, ठीक है। आप खुद आंसर करोगे, नहीं कर पाते हो तो अपने बुक को खुद थप्पड़ मार लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्लास में और उसका टेस्ट भी होगा आप लोगों का, ठीक है।
जो सेंटर वाले हैं उनका बोल रहा हूँ, जो बच्चे वैसे प्राइवेट वाले हैं उनका भी नहीं हुआ, उनका हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग मैंने बता दिया आपको, इंटरनल फिजियोलॉजी, या तो कोई इंटरनल बॉडी में हमारे डिफेक्ट है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हैबिटेट, जगह का चेंज होना, स्ट्रेसफुल कंडीशन होनी, ठीक है, ये एक रीज़न बनता है इसका। थर्ड क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट में हमने बात करी जहाँ से हमारे इनिशिएशन होता है, बिल्कुल छोटे से पॉइंट से हमने स्टार्ट करा। मेल फीटस, फीटस क्या है, जिस टाइम वो 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में चल रहा होता है, उस टाइम पर उसके 7th मंथ में क्या फॉर्म मोड होते हैं हमारे, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, हमारा हार्मोन होता है, ठीक है। हार्मोन से आगे फिर हमने आगे पढ़ा कि हमारे बॉडी जो है, हमारे जो एब्डोमिन है, उस एब्डोमिन से तो उसके ही पार्ट होता है, बट वो एब्डोमिन से थोड़ा बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब किडनी, लीवर और स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ये सारे क्या हैं, इंटरनल। इन्हें तुम ऐसे तो देख नहीं सकते, ठीक है, ये ऐसे तो दिख नहीं रहे, या मेरे तो दिख नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये तो होगा इंटरनल, बट वो क्या है, एक्सटर्नल है, वो हमारे एब्डोमिन के ही पार्ट है, बट वो एक्सटर्नल है, और वो एक कैविटी में है, उसको क्या बोला है, इनगुइनल कैनाल, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होती है, हमारे एक पाउच होता है, पाउच के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं जिसे हम बोलते हैं अंडकोश, ठीक है, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। उस पाउच को हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा होगा, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए कुछ टर्म कंडीशंस आती हैं, क्या टर्म कंडीशंस आती हैं, कि अगर वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होना रुक जाएगी, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि अगर स्पर्म की फॉर्मेशन करनी है आपको, तो आपके जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3% आपका टेम्परेचर स्क्रॉटम को कम मिलना चाहिए, जिससे कि टेस्टिस आगे परफॉर्म करें और स्पर्म की फॉर्मेशन करें, ठीक है। क्रिप्टोकाइडिज्म, क्रिप्टोकाइडिज्म का मतलब क्या होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, तो क्या होगा, जो हमारा स्क्रॉटम है, जो पाउच है, जो नीचे डिसेंड हुआ हुआ है, ठीक है, वो नीचे नहीं आएगा। जब वो नीचे नहीं आएगा, एब्डोमिन में रह जाएगा, तो वहाँ पर टेस्टिस वर्क नहीं कर पाएंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसे बोलते हैं टेस्टिस डू नॉट डिसेंड। जो टेस्टिस हैं वो नीचे नहीं आते, उसे टेक्निक को, उस टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म, क्रिप्टोकाइडिज्म, इसे याद रखना। इस पर क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इन व्हाट, इन कौन सी कंडीशन में वो होता है, तो आपको आंसर लिखना है क्रिप्टोकाइडिज्म। स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है, हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है इसमें, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो नरिशमेंट कराएंगी, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स इसलिए होती है जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। नर्व्स क्या काम करती हैं, फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। फिर देन फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट होगा, हम सेकेंड पेज पर आ जाते हैं। सेकेंड पेज पर हमारा कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 2 पर, ठीक है, पेज नंबर 2 पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपके, ड्यूरिंग 7 मंथ, क्योंकि इसे मैंने पूरा ऐसे लिख दिया कि अगर आपको एकेडमिक वाइज अगर आपको आंसर लिखना पड़ जाए तो आप बिल्कुल इसे छाप करा सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ फीटस रिलीज द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, डिसेंड ऑफ टेस्टिस, उसकी वजह से टेस्टिस हमारे डिसेंड यानी नीचे आते हैं फ्रॉम दी एब्डोमिनल कैविटी इनटू स्क्रोटम। एब्डोमिनल कैविटी से निकल कर वो कहाँ आते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है बेटा, एक पाउच, इसे लिख लेना। स्क्रोटम क्या होता है, एक पाउच होती है, जैसे बैलून होता है ना, बैलून उस टाइप का हमारा स्क्रोटम होता है, उसके अंदर बस 2 बॉल्स डाल दो तो उसे क्या बोलते हैं हम, टेस्टिस, ठीक है। वाई टेस्टिस शो स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टेम्परेचर बाय 2 to 2.5 degrees Celsius as compared to body temperature। NCERT ने सेल्सियस में लिया है, तो हम सेल्सियस की बात करेंगे। मैंने आपको बताया अगर स्पर्म की फॉर्मेशन कराना है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। हर किसी चीज़ के नाम है यहाँ पर जो है, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो नए बच्चे हैं उन लोगों को बता रहा हूँ। एक पेज पर अलग अलग लिख लेना जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्पर्म की फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या बताया कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तो जब हमारी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है।
इफ टेस्टिस फेल टू डिसेंड, उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि अगर हमारे टेस्टिस नीचे नहीं आए, कि पाउच में, स्क्रॉटम में नहीं आए, एब्डोमिनल कैविटी में रह गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? क्रिप्टोकाइडिज्म। इनगुइनल कैनाल, इनगुइनल कैनाल क्या होता है हमारा? फ्रॉम टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी इनटू स्क्रॉटम। मैंने बता दिया आपको कि हमारा एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस का स्क्रॉटम में आना, डेट इज कॉल्ड इनगुइनल कैनाल। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉल्ड अब बताने की जरूरत है बेटा। अब आपको याद होनी चाहिए ब्लड वेसल्स होती है इसमें प्रेजेंट, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, कि उसको नरिश करना, नरिशमेंट देना। लिम्फेटिक वेसल्स का फंक्शन क्या है बेटा, कि वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं। प्लस नर्व्स का फंक्शन, नर्व्स का क्या काम करती हैं? नर्व्स काम करती हैं हमारी फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ सिग्नल्स। ठीक है यार, इस टाइम पे फोन क्यों आता है? हेलो हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग, और सब बढ़िया? यार यूट्यूब पर था, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। बताओ बताओ क्या हुआ? अच्छा, हाँ तो रेंट का तो टाइम हो गया। मैं एक काम करना, 10 तारीख को उसका जितना भी रेंट है वो सारा क्लियर कर देना, और हाँ ठीक है, उसका वो क्लियर कर दो। 10 तारीख को तुम कल जाओ तो कल दे देना, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी उस जैना को बोल देना, जितने भी मतलब के फीस वगैरह इनकम रह गई वो सब कम करें, और उसके बाद में फिर बताना। ठीक है, बाकी करता हूँ मैं फोन, क्लास से फ्री होगा। ठीक है, नहीं, मैं करता भाई, आज करने की सोच रहा था, टाइम भी मिला था मुझे, बट मैंने लाओ पहले क्लास से पढ़ ना। ना ना, तुम सही करो, नहीं दे दो दे दो, 10 तारीख को भी दे देंगे वैसे भी, कर दो क्लियर, कर दो क्लियर। ठीक है, ठीक, मैं 9 बजे के बाद फोन करूँगा। ठीक है, ठीक, बाय। हाँ जी, क्या बात चल रही थी हमारी? पॉइंट्स के बारे में बता रहा था, जो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी पॉइंट। ठीक है, मेरी बोतल मधुर के रूम में, मधुर के रूम में से ले। ठीक है, तो बेटा अगर टेस्टिस हमारे डिसेंड नहीं हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्रिप्टोकाइडिज्म। ठीक है, फेलियर ऑफ टेस्टिस दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोकाइडिज्म। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के 3 चीज़ें हमेशा याद रखना, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व्स। नर्व्स का काम क्या होता है? ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स। अगर सिग्नल से ट्रांसमिट नहीं होंगे तो आगे कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, स्क्रॉटम क्या होता है बेटा? स्क्रॉटम ये होता है हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम। ठीक है, टेस्टिस हमारे पेयर्ड में होते हैं, टेस्टिस को क्या बोलते हैं हम? अंडकोश। ठीक है, दोनों पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ये। इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया? ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दूसरा स्पर्म की प्रोडक्शन करता है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हाँ जी, तो क्या बात कर रहा था मैं कि हमारे जो स्क्रॉटम होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे या तो हम पाउच बोल सकते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। टेस्टिस हमारे पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं जिसे हम बोलते हैं अंडकोश। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो काम करता है, क्या क्या काम करता है? हॉर्मोन। ठीक है, हॉर्मोन क्या है हमारे? हॉर्मोन कौन सा रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हॉर्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारे? स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन है, ये कौन से ग्लैंड से आता है? हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन जो हो रहा है वो किस ग्लैंड से हो रहा है? हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम हेटरोक्राइन ग्लैंड। हेटरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जहाँ पे हम होमोक्राइन बोलेंगे वहाँ पे क्या मीनिंग हुआ है? सेम ग्लैंड की बात कर रहे हैं। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेटरोक्राइन ग्लैंड, यानी कि डिफरेंट ग्लैंड की बात हो रही है। दोनों अलग ग्लैंड हैं, एंडोक्राइन अलग है, एक्सोक्राइन अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला हमने? मिक्स्ड ग्लैंड। और इसे क्या बोलते हैं हम? हेटरोक्राइन ग्लैंड। जो नए बच्चे हैं वो घबराए नहीं, जब वो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे 11th क्लास का, तो जब समझ में आ जाएंगी ग्लैंड वगैरह, बट इतनी नॉर्मल चीज़ें आपको पता होंगी 10th क्लास तक तो। ठीक है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस का रिमूवल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्कियो
ऑर्किडेक्टोमी, सॉरी टेस्टिस को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो उस टर्म की क्या बोलते हैं हम, ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। तो ये ऑर्किडेक्टोमी के जो एग्जाम्पल अगर मैं आपको लोगों को दूं, तो एक है हमारे पास ऑक्स, एक है हमारे पास बुल, ठीक है, ये रियलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑक्स जो है हमारा वो स्टराइल है, ठीक है, उसके टेस्टिस रिमूव्ड हैं, ठीक है, और बुल जो है हमारा उसके टेस्टिस प्रेजेंट है और वो फर्टाइल है, ठीक है। टेस्टिस नहीं है उसके पास, टेस्टिस ही नहीं है तो उसे कोई एग्रेशन हो गई नहीं, एग्रेशन यानी गुस्सा आना, कुछ वो होना, वो नॉर्मल रहेगा, कोई उसे कुछ नहीं होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, ओबीडिएंट, ठीक है। लेपर्ड जो बुल है उसके पास टेस्टिस टेस्टिस प्रेजेंट है, वो फर्टाइल है, तो वो एग्रेसिव होगा, ठीक है, यानी कि उसे गुस्सा आएगा। टेस्टोस्टेरोन का एक ये भी फंक्शन है, जो आपको गुस्सा आता है, जो आपको वो होता है, अगर आपको अपना गुस्सा खत्म करना है, टेस्टिस रिमूव कर दो, ऑर्किडेक्टोमी करा लो, काम ही खत्म, ठीक है, ना होगा बास ना बजेगी बांसुरी, वो वाला सिस्टम। ठीक है, अब ये जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ पेज नंबर 3 पर, यहाँ नोट लिखा हुआ ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, इसे खाली पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है, जब इस टाइम पे पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे अपनी एनसीईआरटी खोल कर रखना, फिगर 3.1A वाला पार्ट देखना, पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यार एनसीईआरटी नहीं इस टाइम पर मेरे पास में, ये पॉइंट कैसे पढ़ा है एनसीईआरटी, यानी 12th क्लास की एनसीईआरटी ले लूँ। हाँ जी आ गई एनसीईआरटी आपकी, तो बेटा ये पेज नंबर 3.1, ओ पेज नंबर क्या है इसका, मेरी एनसीईआरटी में 43 है, क्लास 12 की एनसीईआरटी, ठीक है। और फिगर 3.1A डायग्राम में मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको और उसे मेंशन करूंगा, तो उस टाइम पर देख के रहना। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एपिडिडाइमिस, इसमें ढूंढो कहाँ पर है एपिडिडाइमिस, ठीक है। बेटा जो मेरी एनसीईआरटी है ना उसमें इस वाले डायग्राम में शो नहीं होगा, आप लोग देख लेना, ये जो जहाँ से ये स्टार्टिंग हो रही है ना इसकी लाइन की, मैं इसका पिक्चर भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पर, जैसे देख लेना, ठीक है। जैसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या होती है बेटा, पेयर्ड होती है, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी में, मेरी वाली एनसीईआरटी में तो इसका लेबलिंग नहीं हुई, मेंशन नहीं हुआ, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। या फिर इसमें नहीं दिख रहा हुआ आप लोगों को, तो आप 3.1 के बी वाले पार्ट में देख लेना, ये रहा एपिडिडाइमिस, ठीक है, ये रहा एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये एपिडिडाइमिस क्या होता है बेटा, पेयर्ड डक्ट होती है हमारी, ठीक है, पेयर्ड डक्ट होती है, हाईली क्वाइल्ड होता है और लॉन्गेस्ट डक्ट होती है, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था इसे लॉन्गेस्ट डक्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं इस तरीके से देता हूँ। दो लड़के ले लो, ठीक है, एक लड़की के बाल सिंपल हैं, स्ट्रेट हैं, ठीक है, तो उसके लॉन्ग बाल हमें लग रहे हैं कि इतने लंबे हैं, ठीक है। अब एक दूसरी लड़की है, उसके बाल जो हैं वो कर्ली बाल हैं, ठीक है, कर्ल हुए हैं, ठीक है। अब जब हमने उसे प्रेस करा, उसे वो कर दिया हमने, ओपन कर दिए, तो उसकी लेंथ जो पहली वाली लड़की थी, जो हमारी सिंपल वाली लड़की थी, और जो दूसरी वाली जिसके कर्ली बाल थे, तो किसके ज़्यादा बाल लेंथ किसकी ज़्यादा ज़्यादा होगी, तो हम क्या बोलेंगे, जिसके कर्ली बाल थे, क्योंकि उसके हमने उसको हमने स्ट्रेट कर दी, उसकी प्रेस कर दी, तो उसकी साइज ऑफ लेंथ बढ़ गई, तो हम क्या टिक करेंगे, बी वाला, ठीक है। तो ऐसे इसे क्या बोलते हैं, कॉइल्ड है, कॉइल्ड क्या मतलब क्या होता है कि इसकी जो डक्ट है ना, कि जैसे हम उसे रैप अप करके रखा है हमने, जैसे घर में कोई पाइप वगैरह होता है ना, जो जिससे हम गमले उसमें प्लांट्स वगैरह वो पानी डालते हैं, उस पाइप को हम फिर उसे बंद करके रख देते हैं रैप अप करके, तो होता तो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसे हमने क्या करा, कॉइल कर दिया, कॉइल का मतलब क्या होता है, उसे हमने एक रैप अप करके रख दिया, बट होता वो क्या, लॉन्गेस्ट होता है, उसे हम खोल देते हैं तो बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। ये तो हमारा एपिडिडाइमिस वाला पार्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद देन यहाँ पर देखो वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट है इस वाले डायग्राम में, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब ये वास्ट डिफरेंस क्या होती है, ये भी पेयर्ड डक्ट होती है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस क्या होती है, ये भी पेयर्ड होती है,
ठीक है। और इसी डक्ट को हम क्या करते हैं, इसी डक्ट से हम क्या करते हैं, वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी मैंने आपको बताया था स्टराइलाइजेशन मेथड है, यानी कि नसबंदी करना, ठीक है। मेल में कितने कटर लगते हैं, एक। फीमेल में कितने लगते हैं, दो, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ा है, ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है तो भूले नहीं होंगे, ठीक है। उस टर्म को क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी, ठीक है। वास डिफरेंस को कट करके हम क्या करते हैं, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में अपने क्या बोलते हैं, नसबंदी, और हम अपने बायो में क्या बोलते हैं, हम वैसेक्टॉमी, ठीक है। वैसेक्टॉमी में होता क्या है, वैस डिफरेंस को हम वहाँ पर कट लगाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा सेमिनिकल वेसिकल, यूरेटर के नीचे लिखा हुआ देखो, सेमिनिकल वेसिकल, ठीक है। इसे जब आप देखोगे तो ये भी आपको पेयर्ड दिखेगी, ठीक है। इसमें ही क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट सेमिनल प्लाज्मा, जो हमारा सेमिनल प्लाज्मा होता है वो स्टोर कहाँ पर होता है, हमारा सेमिनल वेसिकल में, ठीक है। फिर देन इजैकुलेटरी डक्ट दिख रही है आपको, इधर इस साइड पर इजैकुलेटरी डक्ट हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है हमारी, ये भी पेयर्ड में होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा बनता है, ठीक है। कहाँ से बन रहा होता है कि हमारा सेमिनल वेसिकल से, सेमिनल वेसिकल से बनने के बाद में ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है यहाँ पर आता है, यहीं से हमारा स्पर्म रिलीज होता है, और उसमें स्पर्म में क्या होता है, हमारा सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। फिर फिफ्थ वाली पार्ट हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है हमारी, इसमें ये भी मेंशन नहीं करी हुई, हाँ। वास डिफरेंस के नीचे ना, वास डिफरेंस के नीचे देखो छोटा सा लिखा हुआ प्रोस्टेट, इसका पूरा नाम क्या है हमारा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक ऐसी ग्लैंड होती है, एकमात्र ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं अनपेयर्ड, यानी कि क्या होती है, सिंगल होती है। तो वहीं तरह क्या होती है बेटा, ये सिंगल, ठीक है, इसका कोई बाबू सोना नहीं है, ये सिंगल है, ठीक है, ये सख्त है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, अनपेयर्ड ग्लैंड, ठीक है। नीट में क्वेश्चन क्या था, नीड में ये पूछें कौन सी ग्लैंड होती है जो अनपेयर्ड होती है, जो सिंगल होती है, ठीक है। चारों आपको ऑप्शन में दे देंगे, उसमें आपको टिक क्या करना है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या सीक्रेट करता है हमारा, सेमिनल प्लाज्मा, ये भी सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट कर रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। देन उसके बाद जाते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसे बोलते हैं हम कॉपर्स ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉपर्स ग्लैंड, दूसरे नाम से क्या जानते हैं हम, कॉपर ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहाँ पर दिख रही है हमारी, ये बनी हुई दिख रही है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये भी बेटा पेयर्ड होती है, ठीक है। इसे हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड, ठीक है। क्या होता है कि अभी क्या हुआ, दो फंक्शन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, यूरिन का पास होना और उसी टाइम पे उसी पैसेज से पास हो रहा है स्पर्म भी, ठीक है। जब यूरिन पास होता है, यूरिन हमारा कैसा होता है, उसका नेचर क्या है, यूरिन का एसिडिक, ठीक है। स्पर्म का नेचर कैसा होता है हमारा, बेसिक, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी केस में दोनों चीज़ें सेम सा उसमें हो रही है, ठीक है। अभी जहाँ से इस पैसेज पे से, इस रास्ते से अभी हमारा यूरिन निकल कर गया है, ठीक है, उसी टाइम पर स्पर्म अगर आएगा आएगा तो जो उस जगह पर, तो क्या हुआ, जब वो एसिडिक है, एसिडिक है यानी कि वहाँ पे क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं, जलन, ठीक है। वहाँ पे अभी एसिडिटी रिलीज हुई है, ठीक है। अब जब उसी पैसेज पे से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो जो हमारा जो एसिडिटी वाला पार्ट है, एसिडिक वाला पार्ट है, वो हमारे स्पर्म को किल करेगा, खा जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया ऊपर वाले ने, कि उस टाइम पे हमारी एक ऐसी ग्लैंड है जिसका नाम है हमारा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, दूसरे वर्ल्ड में हम इसे क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड। बार बार इसे मैंशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों पे कभी कभी क्वेश्चन आया था नीट में, ठीक है। तो ये काम क्या करती है कि ये उस जैसी हमारा यूरिन पास हुआ उसी टाइम पर ल्यूब्रिकेशन करती है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ यूरिथ्रा, कि वहाँ पर लुब्रिकेट कर देती है, वहाँ पे साफ सफाई कर देती है, जिससे कि स्पर्म का रास्ता क्लियर रहे, कि वो स्पर्म के से जो हमारी स्पर्म सेल्स हैं वो ना मरे, ठीक है। हमेशा याद रखना है, यूरिन के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, आंसर के टिक करना एसिडिक, ठीक है। स्पर्म कैसा होता है हमारा, बेसिक होता है, ठीक है। यूरिथ्रा, यूरिथ्रा क्या होता है हमारा, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। जाओ इरेक्टाइल टिश्यू क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ठीक है।
साइज नॉर्मल जो हमारा पेनिस है उसके नॉर्मल साइज से एनलार्ज होना डेट इज कॉल्ड इरेक्टाइलेशन, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं हम इरेक्शन, ठीक है। तो यूरिथ्रा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होता है, कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दूसरा कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट होती है, कॉर्पस स्पॉन्जिनोसम प्रेजेंट होता है। इन दोनों फंक्शन क्या होता है, ये टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, टू एनलार्ज द साइज ऑफ पेनिस, ठीक है। जो हमारे नॉर्मल साइज है पेनिस का उस साइज से इरेक्टाइल करना, उसका साइज इंक्रीज करना, वो कौन करते हैं, टिश्यू करते हैं। कौन कौन से टिश्यूज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा कॉर्पस स्पॉन्जिनोसम, ठीक है, टू एनलार्ज द साइज ऑफ पेनिस, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं हमारे आज की क्लास के यहाँ तक, ठीक है, ये हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। एनसीईआरटी का आपको पेज नंबर 42 जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन की टाइप्स, फिर हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3.1, ठीक है। 3.1 आप फिगर 3.1B जहाँ तक लिखा हुआ है ना यहाँ पर, या एक काम करना 43 पूरा फुल पेज पढ़ देना आप, ठीक है। जब कल को मैं आपको और क्लास भेजूंगा तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई होप सब समझ में आया होगा, और कोई डाउट फिर भी आता है आपको तो आप मुझे मैसेज कॉल जो भी आपको सूटेबल हो आप वो करें, ठीक है। और इसके टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें आप, जो मैंने आपको बताया टेस्ट की प्रिपरेशन करते हुए चले। बाद में मेरे से ना कहना कि सर मेरे से ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, ठीक है। आप ही लोग पीछे रह जाओगे, आप लोग ही बैचमेट हैं जो आगे जा रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि सर हमारे टेस्ट लो, और आप कुछ नालायक ऐसे हैं जो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। सब अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी, ठीक है, बट टेस्ट तो सबको देने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोगों के पेरेंट्स से बात करी जाएगी, ठीक है। आज की क्लास इतनी है, ठीक है, बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।